ये सरकार क्या अपने ही देशवासियों को आंख दिखाने के लिए और आतंकवादियों को बेल दिलवाने के लिए? और अमित शाह साहब तो क्रोनोलॉजी समझाते हैं सबको। अमित शाह साहब, मोदी जी, दम बढ़ते हो आप राष्ट्रवाद का। 40 हमारे शहीद हुए जवान जिनकी फोटो लगा लगा कर आप पूरे चुनाव में पूरे देश में घूमते रहे। पिछले साल फरवरी में, शायद 14 फरवरी की ही बात थी, देश को दहला देने वाले पुलवामा पर हुए आतंकी हमले जिसमें हमारे 40 जवान सीआरपीएफ के शहीद हो गए थे, उस हमले को ये देश कभी भुला नहीं सकता। वो देश की आत्मा पर हमला था। इस साल 2020 14 फरवरी एक साल हुआ ही था। अभी दो दिन पहले, तीन दिन पहले जो एक आरोपी था जैशे मोहम्मद का आतंकवादी यूसुफ चौपान, उसको दिल्ली की एक अदालत ने बेल दे दी। बेल क्यों दी? क्योंकि एनआईए चार्जशीट यानी कि आरोप पत्र दायर नहीं कर पाई। इसके चलते जैशे मोहम्मद के आतंकी यूसुफ चौपान की जमानत हो गई। अमित शाह साहब, मोदी जी, दम बढ़ते हो आप राष्ट्रवाद का। 40 हमारे शहीद हुए जवान जिनकी फोटो लगा लगा कर आप पूरे चुनाव में पूरे देश में घूमते रहे, उनके परिवार का चेहरा अब आपके सामने नहीं आया, आपको दिखाई नहीं दिया? ये वही जैशे मोहम्मद है जिसने कंधार किया, जिसने पार्लियामेंट पर हमला किया, जिसने कई कई हमलों को अंजाम दिया। ये वही कंधार है जिसके जिसमें आप आतंकवादियों को छोड़ने भी गए थे। जैशे मोहम्मद के आतंकवादी को आप बेल होने दे रहे हैं और फिर भी आप अपने आप को राष्ट्रभक्त मानते हैं, कि इससे बड़ा देशद्रोह और क्या हो सकता है? पठानकोट में खुफिया तंत्र कमजोर साबित हुआ, उरी में खुफिया तंत्र कमजोर साबित हुआ, पुलवामा में खुफिया तंत्र कमजोर साबित हुआ। सुबह से शाम तक आप जहां जहां, आप दिल्ली की ही कानून व्यवस्था देख लीजिए, यहां भी खुफिया तंत्र कमजोर साबित हुआ। आपका खुफिया तंत्र कमजोर, आपकी जांच एजेंसियां लचर, ये किस तरह की सरकार चला रहे हैं आप? ये सरकार क्या अपने ही देशवासियों को आंख दिखाने के लिए है और आतंकवादियों को बेल दिलवाने के लिए? और अमित शाह साहब तो क्रोनोलॉजी समझाते हैं सबको, जरा हमें भी क्रोनोलॉजी समझाइए, ये हुआ क्या? पुलवामा हुआ, आपने वोट बटोरे, राजनीतिक रोटियां सेकी, हमारे जवान शहीद हुए, जहां कोई नहीं जा सकता वहां आरडीएक्स चला गया और इनको बेल हो गई क्योंकि सबूत इकट्ठे नहीं हो सके, चार्जशीट दायर नहीं हो सकी। पुरानी आदत है अमित शाह साहब की कि पहले एनआईए से बेल हो जाती है, फिर उनको टिकट भी मिल जाती है। हो सकता है इनको भी, यूसुफ चौपान साहब को भी कोई टिकट मिलने वाली हो लोकसभा की या विधानसभा की, हो सकता है। ये तो इनकी पुरानी आदत रही है, हम तो और उदाहरण भी दे सकते हैं क्या क्या किया इन्होंने। जिम्मेदारी किसकी बनेगी, कौन लेगा जिम्मेदारी? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कागज जो सर्कुलेट कर रहे हैं प्रेस रिलीज के नाम पर, उस पे तो किसी के साइन नहीं है, कोई वाटरमार्क नहीं है। गृहमंत्री जिम्मेदारी लेंगे, एनआईए चीफ जिम्मेदारी लेंगे, या मौन मोदी साहब, कौन जिम्मेदारी लेगा? या फिर दोवल साहब की शब्दों में कहें तो जो हो गया सो हो गया, पुलवामा भी हो गया सो हो गया। कल कहा था ना दोवल साहब ने दिल्ली में, जो हो गया सो हो गया। दोवल साहब, ये देश की इज्जत पर हमला था पुलवामा, ये हो गया सो हो गया नहीं था, इसकी तो जवाबदारी बननी पड़ेगी। कौन जवाबदारी बनेगा, कौन इस्तीफा देगा, ये बात अब स्पष्ट होनी चाहिए। लेकिन यहां अकाउंटेबिलिटी इज अ मस्ट। 40 जवान शहीद हो जाएं,
और हम पूरा देश चुपचाप बैठकर इनके जुमले सुनता रहे, ये नहीं होगा। तफ्तीश आप नहीं कर पाते, खुफिया तंत्र आपका कमजोर है, कीमत देश अदा कर रहा है। कोई प्रश्न हो आपके तो आपका स्वागत है। इंग्लिश में थोड़ा सा बोल देता हूं। रफली अराउंड द सेम टाइम लास्ट ईयर, एक्चुअली इट वॉज 14th February लास्ट ईयर, व्हेन देयर वॉज अ मैसिव टेरर अटैक इन पुलवामा विच रिजल्टेड इन द मार्टर्डम ऑफ 40 ऑफ आर CRPF जवान्स। इट वॉज एन अटैक ऑन द सोल ऑफ इंडिया। द बीजेपी वेस्टेड नो टाइम इन यूजिंग दैट अटैक टू गार्नर वोट्स, टू व्हिप अप पैशंस। दे एक्चुअली शेमलेसली यूज द मार्टर्डम ऑफ आर जवान्स, पेस्टिंग देयर फोटोग्राफ्स इन द इलेक्शन रैलीज। वन ईयर लेटर द सो कॉल्ड नेशनलिज्म ऑफ द बीजेपी स्टैंड एक्सपोज्ड, बिकॉज द NIA, द कंट्रीज pioneering investigating agency, has failed to file a charge sheet against an accused of Pulwama, a terrorist of JEM by the name of Yusuf Chaupan. Why? They said we haven't been able to investigate, we have not been able to provide or file a charge sheet. Now something as critical as this, an attack as serious as this by a terrorist organization called JEM, which was Jaish-e-Mohammed, which was responsible not just for Pulwama, also for the parliament attack. The founder of JEM was responsible for the Kandahar hijacking. You let go of such serious terrorists and yet claim that you love the country. This is the biggest treachery, and somebody has to be held accountable for this. Whether it's the Home Minister, under whose watch we see failures every week, whether it's the riots in Delhi, whether it's attacks in libraries and campuses, whether it's the total breakdown of law and order across the country, this Home Minister is the biggest failure the country has ever seen. Who will take responsibility for this failure? The Home Minister, the NIA chief, or should I quote Mr. Doval, who used some strange words here yesterday in Delhi, jo hua so hua, what has happened has happened. We cannot dismiss an attack on the soul of India by saying what has happened. So we need answers, we need accountability, we demand the resignation of Mr. Home Minister. Where are you? You are an expert in explaining the chronology. Please explain the chronology to us. What happened in Pulwama? Why weren't you able to fix responsibility? Why was the terrorist called Yusuf Chaupan allowed to get bailed this week? You have to explain to the country. The country needs answers to these questions. मैंने देखी थी वो NIA की तथाकथित प्रेस रिलीज, ना तो उसमें कोई वाटरमार्क है, ना उसमें किसी का साइन है, ये सूत्रों वाली सरकार है। उस पर मैं क्या टिप्पणी करूं? क्या NIA या गृहमंत्री या भारत सरकार जैश ए मोहम्मद को क्लीन चिट दे रही है कि पुलवामा में वो शामिल नहीं थे? क्या ये यूसुफ चौपान, जिस भी आप ये कह रहे हैं कोई JEM कॉन्स्पिरेसी केस उसमें लिखा है, क्या आप उसमें विफल हुए? ये मानते हैं कि आप उसमें सबूत नहीं इकट्ठे कर पाए उस तथाकथित JEM कॉन्स्पिरेसी केस में, और आप चार्जशीट नहीं दर्ज कर पाए, आरोप पत्र नहीं दायर कर पाए? क्या वो आप अपनी विफलता स्वीकारेंगे? एक अनसाइंड प्रेस रिलीज दे देना कि नहीं अब वो पुलवामा का नहीं था, वो किसी और कॉन्स्पिरेसी, कौन सी FIR है? वो FIR भी साथ में नत्थी करिए, लगाइए साथ में, हमें FIR की कॉपी सब पूरे देश को दिखाइए कि वो कौन सा केस था जिसमें आपने इनको गिरफ्तार किया था, क्या कारण है कि आप आरोप पत्र उस केस में भी दायर नहीं कर पाए? ये तो एक और अपनी विफलता स्वीकार कर रहे हैं। ये अनसाइंड नोट्स जो आप सर्कुलेट करते हैं शाह साहब, कम से कम पढ़ तो लिया कीजिए कि क्या सर्कुलेट कर रहे हैं।
अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं कि नहीं ये तो वो केस है, इसमें भी हम आरोप पत्र नहीं दायर कर पाए, यही कहना चाह रहे हैं ना जी। एनी क्वेश्चंस? थैंक यू।